जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ओम चू में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, दो हाथों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक आपको रियल हाथ और एक आपको बताने के लिए प्रैक्टिकल हैंड जिसमें सभी रेखाओं का उल्लेख किया गया है। आपको जो गोला मैंने सर्कल बनाया है उस जगह पर फोकस करना है। तो जो सबसे पहला है, एक मस्तिष्क रेखा जा रही है सामने हृदय रेखा, और बीच से जो कटते हुए जो जा रही है वो है आपकी भाग्य रेखा, जो काटते हुए सीधे शनि पर्वत तक, शनि क्षेत्र तक वो जा रही है। ये कंडीशन ने जो है वो बहुत सारे कम जातकों की हाथों में दिखाई देता है। अगर आपके हाथ में है तो समझिएगा आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये कंडीशन है आमतौर पर सामान्य जातकों के हाथों में नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोज़ और नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर ऐसी कंडीशन किसी की भी जातक के हाथों में है तो उन पर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में बताएंगे कि वास्तविकता होती क्या है। सबसे पहली बात है कि ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, कम मेहनत में बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आप उसमें कि बहुत से जातक ऐसे होंगे कि जिनको ये सफलताएँ नहीं मिली होंगी, वो भी कारण मैं मेंशन आपको वीडियो में करूँगा। दूसरी बात होती है, बहुत भावुक होते हैं। तीसरी बात, लोगों की मदद करने में बहुत विश्वास रहता है। चौथी बात रहती है कि वो बेवजह उलझनों में फंस जाते हैं जहाँ उनका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो भावुकता का जो उनका पहलू है बहुत तेज होता है। लेकिन पांचवा एक बहुत ही बड़ा यूनिक टॉपिक है कि बहुत शातिर भी होते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का निराकरण चुटकियों में निकाल लेते हैं। जिनकी एक बहुत बड़ी और गुड पॉलिसी हमेशा सौम्य और न्यूट्रल विचार के होते हैं। सौम्य और सहज जियो और जीने दो, सहजता से रहो, सरलता से रहो और खुद की मस्ती में जीते, मतलब खुद की दुनिया में जीने वाले ये लोग आमतौर पर होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम नज़र आते हैं, ये बहुत यारबाज होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं और ख़ासकर महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। अगर महिला है तो वो भी महिलाओं की बहुत इज्जत करती है। एक बहुत बड़ा बेसिक थिंक है इनका, जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है। दिखने में आकर्षक होते हैं, प्रभावशाली वक्ता होते हैं, लोगों को प्रभावित करने के इनके पास बहुत अच्छे गुण होते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये लोग वेल मेंटेन और सभी चीज़ों को मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन है लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिल पाया। पहली बात, या तो आप व्यसन करते होंगे, क्योंकि भाग्य जब तक आपका किसी का भी साथ नहीं देता, जब तक यदि कोई व्यक्ति व्यसन करता है तो भाग्य साथ नहीं देता। तो व्यसन अगर कोई भी करते हैं, आप शराब पीते हैं, तो उस आज अभी इसी वक्त से छोड़ दें, आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि कई बार हम झूठ बोलते हैं, कई बार वो गलत काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना होता है। किसी को धोखा देना, अपने को, किसी को भी, वो चीज़ों से भी आपको परहेज करना। और तीसरी बात है, जाने अनजाने में किसी का मन मत दुखाइएगा। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको करना होगा, तब जाके आपके पक्ष में बहुत सी चीज़ें होगी। तो दोस्तों, बहुत यूनिक और बहुत ही रेयर एंड रेयर केस में ये कंडीशन दिखाई देती है। और अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, और उसको आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि आपके पास क्या था, आज कहाँ हैं। कई सारी प्रैक्टिकल बातें आप खुद सोच सकते हैं, मैं तो केवल आपको मार्गदर्शन बता सकता हूँ कि ये है और ये बातें हैं। अब आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल। और एक और बात है दोस्तों, कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर अच्छा लगा हो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, घंटी की बटन दबा लें ताकि आपको हमेशा अच्छे वीडियो मिलते रहे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।